नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत का करारा जवाब देना दुनिया के सामने मिसाल है और इसी को लेकर भारत की धमक दुनिया में बढ़ी है। इसके साथ साथ भारत ने चीन को घेर कर रखने के लिए विदेश से लेकर गलवान घाटी तक हर जगह चीन को परेशान किया है और जैसे जैसे चीन आगे बढ़ा है ठीक उसी तरह दो कदम आगे बढ़ा है भारत। इसी को देखते हुए दुनिया के ताकतवर संगठनों में से एक संगठन G7 ने भारत को न्योता दिया है और कहा है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। विश्लेषकों की माने तो G7 के सदस्य देश और भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मिलकर विस्तारवादी और आक्रामक चीन को काउंटर करेंगे। चीन के लिए लोकतांत्रिक देशों का ये समूह तगड़ी चुनौती पेश कर सकता है। एक्सपर्ट G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित किए जाने को एक बड़ी उपलब्धि भी मान रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत ब्रिटेन की दोस्ती को मजबूत करने के लिए अगले महीने यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान बनेंगे। बोरिस जॉनसन दूसरे ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। इससे पहले साल 1993 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन अपनी विदेश और सुरक्षा नीति में इंडो पैसिफिक पर जोर दे रहा है और इसीलिए भारत उसके लिए काफी अहम देश हो गया है। जॉनसन ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद कहा कि ब्रिटेन के लिए ये एक रोमांचक साल की शुरुआत होगी। अगले साल भारत आने पर मुझे खुशी होगी। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत ब्रिटेन के लिए एक अहम साझेदार है क्योंकि हम नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और सुरक्षा के लिए खतरों का मिलकर सामना करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला अहम द्विपक्षीय दौरा होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इससे इंडो पैसिफिक को लेकर ब्रिटेन की गंभीरता और प्रतिबद्धताओं का पता चलता है। भारत ब्रिटेन के लिए कितना मायने रखता है इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि वो तीसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को अपने पहले दौरे के लिए चुना है। साल 2021 के लिए ये बहुत ही सकारात्मक शुरुआत कही जा सकती है। ब्रिटेन ने कहा है कि जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा इस समिट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी बुलाया गया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने बयान में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जॉनसन लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करने के इच्छुक हैं ताकि साझा हितों को आगे बढ़ाया जा सके और साथ साथ साझा चुनौतियों से निपटा जा सके। वैसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी तानाशाही देशों के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों की एक समिट बुलाने की बात पहले ही वो कर चुके हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये समिट बाइडेन के समिट बुलाने की योजना का ही विस्तार है या फिर उनके प्रस्ताव का विकल्प। G7 में UK, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा भी शामिल हैं। यहां जानकारी देते चलें कि पहले इस संगठन में रूस भी शामिल था लेकिन साल 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद उसे इससे बाहर कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे राजनीति बदल रही है।